सिंगरौली जिले के वार्ड क्रमांक 44 आजाद वार्ड। जब से यह वार्ड बना हुआ है, इस वार्ड के लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो भी नाली के कार्य थे, सड़क का चौड़ीकरण था या कि सड़क निर्माण था, सभी कार्य अपूर्ण पड़े हैं, जिससे सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से धरातल पर न होने से लोगों को समस्या जा रही है। हम इसी बात के लेकर चर्चा करेंगे द्विवेदी जी से और जानना चाहेंगे कि इसमें क्या कैसे होना चाहिए। अब इसमें तो नगर निगम का संपूर्ण दायित्व है कि प्लान एस्टिमेट बनाएं, एग्जीक्यूशन करें और फिर इवैल्यूएशन भी करें, उससे उनको सारी कार्रवाई संपन्न भी हुई होगी। प्लान एस्टिमेट बनाए गए हैं, चाहे अंधे मोड़ को समाप्त करने के लिए चौड़ीकरण का, अथवा सीवर की गंदगी हटाने के लिए दूसरी पुलिया में अलग डालने के लिए एक तरफ, वहाँ पर उसको सेप्टिक टैंक को सोखता बना देने का कार्य की योजना रही होगी, उनकी अधूरी रह गई। उसके बाद अलग अलग योजनाएं बनाते चले गए, नाली की योजना अलग, शिवर की लाइन की योजना अलग और स्वच्छ पीने के पानी की अलग, लेकिन ये सब अपूर्ण है। अपूर्ण होने से मतलब जो पैसा खर्चा हो गया शासन के कोष से, वो निरर्थक हुआ और निष्प्रभावी। इस पर मतलब यहाँ के आयुक्त नगर निगम और कलेक्टर साहबान को ध्यान देना चाहिए, अपने अधीनस्थ इंजीनियरिंग और निर्माण शाखा पर अंकुश लगाना चाहिए कि वो कम से कम अगर मानक गुणवत्ता का काम न कर सकें तो कार्य तो पूर्ण करें, ताकि जनता को लाभ से वंचित न रहना पड़े। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं तब से स्वच्छता अभियान और इसके प्रदूषण नियंत्रण का काम प्रभावी ढंग से सब जगह हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका विश्लेषण पूर्व के जनप्रतिनिधियों रामचित जैसे जो 20वीं सदी के उच्च स्तर के विधायक माने जा करके उच्च से पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो उनके द्वारा भी ये तब 5-6-3 को लिखा गया कि मतलब ये होना चाहिए। और ये महिला पार्षद केश कुमारी ने भी लिखा कि मतलब ये गंदगी बह रही है, प्रदूषण बढ़ेगा, फैलेगा, बढ़ रहा है और फैला भी, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। केवल योजनाएं बनी, योजनाएं अपूर्ण है, इसको पूर्ण करा करके समाप्त कराने की कार्यवाही की जानी चाहिए। धन्यवाद।